अगर आप भी माही यानी MS धोनी के बड़े वाले फैंस हैं, तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, IPL 2023 के 55वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 27 रन से हराकर लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर कर दिया है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला चेन्नई के MS चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। चेन्नई के कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 167 रन बोर्ड पर लगाए। टीम की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने 24, शिवम दुबे ने 25, अजिंक्य रहाणे ने 21, अंबाती रायडू ने 23, रविंद्र जडेजा ने 21 रनों का योगदान दिया। वही आखिरी ओवर में MS धोनी ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 9 गेंद पर 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 20 रन कूटे। गेंदबाजी में दिल्ली की ओर से मिशेल मार्श ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। वही अक्षर पटेल ने 2 और कुलदीप यादव और खलील अहमद को 1-1 विकेट मिले। वही 167 के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की शुरुआत खराब रही। कप्तान डेविड वार्नर दीपक चहर की पहली ओवर की दूसरी गेंद पर रहाणे के हाथों कैच आउट हुए और पूरे 20 ओवर खेलकर DC की टीम 140 रन ही बना सकी और 27 रन से हार गई। DC की ओर से राइल रूसो ने सबसे ज्यादा 35 रन की पारी खेली। वही फिलिप सॉल्ट 17, मनीष पांडे 27 और अक्षर पटेल ने 21 रन का योगदान दिया। वही CSK की ओर से पदी राणा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। दीपक चहर को 2 और रविंद्र जडेजा को 1 सफलता मिली। इस शानदार जीत के साथ CSK ने पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर करते हुए 2 महत्वपूर्ण अंक प्राप्त कर कुल 15 अंकों के साथ प्लेऑफ की दावेदारी और मजबूत कर दी। वही इस हार के साथ DC लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। उनके अब 11 मैच में 7 हार के साथ 8 अंक है। अब दिल्ली के बचे हुए 3 मैच करो या मोरो की स्थिति में आप पहुंचे। तो दोस्तों, IPL 2023 की ट्रॉफी क्या एक बार फिर CSK जीत पाएगी? कमेंट कर अपनी कीमती राय जरूर बताएं। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।